हाय दोस्तों, 2 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है जिसका मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। प्रोजेक्ट का नाम है सालासर आंगन। ये कनकिया बेवरली पार्क मीरा रोड ईस्ट में बना हुआ है। 14 माले का टावर है। और भी पूरा डिटेल में आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं प्रॉपर्टी का वीडियो दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं ये भी बताते चले जाऊंगा कि यहाँ पे इसका क्या कनेक्टिविटी है, क्या फैसिलिटीज़ है, आसपास में मॉल, एक्सप्रेस हाईवे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारी कुछ कनेक्टिविटी मैं इस फ्लैट के बारे में इसी वीडियो में फ्लैट के साथ साथ बताते चले जाऊंगा। और जो भी मैंने 10, 12, 15 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, जो भी मैंने सीखा है, उसमें से एक एक इन्वेस्टमेंट टिप्स मैं हर एक वीडियो में शेयर करता हूँ। एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स में इसमें भी शेयर करूँगा। अल्टीमेटली आप कहीं से भी पैसा कमाते हैं, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। हर एक वीडियो में मैंने जितने भी कुछ 1200-1500 वीडियोज़ मेरे चल रहे हैं अभी यूट्यूब पर, हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स का बात मैं करता ही हूँ। दोस्तों, हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से सीखें और समझें। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स के बाद मैं अपनी सर्विसेज की बात करूँगा कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट कराते हैं, हमारे व्यूअर्स को, हमारा बायर्स को, क्या क्या तरीके से, जैसे बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी कभी कभी बहुत ही बेनिफिट में आती है, वो सारा कुछ मैं सर्विस में बताऊंगा। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी तो 30-30, 40-40% डिस्काउंट पे आती है कभी कभी। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी का डिटेल क्या है। ये इसका बाहर से एलिवेशन है सालासर आंगन का। अभी मैं आपको धीरे धीरे पूरा दिखाऊंगा कि क्या टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। ये इसका मेन एंट्रेंस है। बाहर कुछ शॉपिंग एरिया भी है। और ये मेन रोड पे ही है ये बिल्डिंग। आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये एंट्रेंस लॉबी है इसका। मेन स्टेयरकेस है और 2 लिफ्ट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। ये इसका पैसेज एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम देखते हैं इसका 2 BHK की प्रॉपर्टी। फुली फर्निश्ड फ्लैट है, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड किया हुआ है, बनाया हुआ है फॉल्स सीलिंग के साथ। और इनको एज इट इज सेल करना है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। एल शेप में इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इन्होंने डाइनिंग टेबल नहीं रखा है बट आप रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं। और 3 से 4 फुट की एक बालकनी है बड़ी बड़ी इसमें। ये भी ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप टेबल वगैरह डाल के कोई सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं। ये पूरा सोफ़ा सेटिंग है और सामने टीवी यूनिट का एरिया है। कुछ सीनरी भी लगा हुआ है सामने ग्रीनरी का। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया है इन्होंने। फिश टैंक रखा है, फॉल सीलिंग बनाया है, वुडन में काम किया हुआ है। ये एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। ये इसका किचन है जिसमें मॉड्यूलर बना हुआ है, अपर कैबिनेट्स बना हुआ है। सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। सामने फ्रिज है। इन्होंने ओपन स्पेस जो बाहर की बालकनी थी वो तोड़ के इन्होंने अंदर कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं बालकनी में इन्होंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों ही एडजस्ट कर दिया है ताकि किचन फ्री हो जाए, बड़ा दिखे, बड़ा रहे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन टॉयलेट वॉशरूम दिया हुआ है। कॉमन टॉयलेट वॉशरूम भी प्रॉपर स्पेस है, कोई ऐसा नहीं छोटा सा, बहुत प्रॉपर बनाया है बड़ा सा। उसके बगल में ही जस्ट ओपन वॉश बेसिन एरिया भी है, अगर कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है तो बाहर बेसिन आपको यूज़ करने मिल जाता है। जनरली अभी अंदर ही बेसिन दे देते हैं। ये कॉमन बेडरूम है जिसमें वार्डरोब बना हुआ है, स्टडी टेबल बेड बना हुआ है। इसमें भी 3 से 4 फुट की बालकनी है इसका।
ये मैं बालकनी का पूरा स्पेस आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं फ्लैट दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसके डिटेल की बात करूँगा। मैं विंडो के साइड से आपको सामने स्टडी यूनिट और वार्डरोब बेड दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लें, समझ लें, फिर ख़रीदने के लिए मुझे फ़ोन करें। अब हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं कि किस टाइप का इसका मास्टर बेडरूम है। ये इसका मास्टर बेडरूम है। अब देखें, मास्टर बेडरूम में भी वार्डरोब बनाया हुआ है, बेड बनाया हुआ है, इसमें भी प्रॉपर एक बालकनी दिया हुआ है 3 से 4 फुट की। इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। ये वार्डरोब इसका वॉल के अंदर ही फिट किया हुआ है। वॉल के अंदर जब वार्डरोब फिट हो जाता है, अलग से स्पेस दे देते हैं बिल्डर, तो पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। और ये 3 से 4 फुट की बालकनी है। कुछ कपड़े होने के कारण पूरा व्यू मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी जितना बेहतरीन हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने पूरा ओपन व्यू मिल जाता है आपको, स्काई व्यू मिल जाता है। ये अंदर से व्यू है पूरे फ्लैट का। अब हम नीचे देखेंगे सोसाइटी में कितना स्पेस है और किस तरह का सोसाइटी डिज़ाइन किया हुआ है, फिर बाद में मैं प्रोजेक्ट की डिटेल, फ्लैट की कितना स्क्वायर फुट का है, कैसे क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा मैं। ये इसका पैसेज एरिया है। ये इसका पहला लिफ्ट है और आगे भी एक लिफ्ट दिया हुआ है। इसका स्टेयरकेस है, सीढ़ियां हैं। ये दूसरा लिफ्ट है। ये इसका नीचे का स्पेस है। आप देखें तो सोसाइटी के अंदर काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया है बिल्डर ने, पार्किंग के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, कुछ अगर फंक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए। ये बैक साइड का बाइक पार्किंग स्पेस है यहाँ का। यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसका। ये सब ओपन स्पेस देखने के बाद, एलिवेशन देखने के बाद, अब मैं प्रोजेक्ट का डिटेल की बात करूँ तो सालासर आंगन में ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रोजेक्ट का नाम है। रीसेल का 2 BHK की प्रॉपर्टी थी ये, जो हमने देखा अभी, बेवरली पार्क मीरा रोड ईस्ट कनकिया में आता है ये। सिनेमैक्स के बिल्कुल पास में है। सिनेमैक्स अभी कन्वर्ट होकर PVR हो चुका है। 14 माले का टावर है, 14-स्टोरी टावर, जिसमें 4 विंग की ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 6-6 फ्लैट है, 2 लिफ्ट है और 1 स्टेयरकेस है। हायर फ्लोर पे फ्लैट है ये, आप ऑलरेडी वहाँ से व्यू देख चुके हैं। बिल्डिंग 5 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है और ये फुली फर्निश्ड फ्लैट है। जैसा आपने देखा है इट इज़ वैसे ही दे देंगे ये आपको, थोड़ा बहुत मूवेबल फर्नीचर लेके जाएंगे। BMC वाटर यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है, गैस पाइपलाइन आ चुका है, वो भी आप देख चुके हैं। और प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फेसिंग फ्लैट है ये। सारे बैंकों से लोन यहाँ पे हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें हर बैंक से लोन हो जाएगा। इन्वेंट्री ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है, जिसकी कारपेट एरिया 850 स्क्वायर फुट के आसपास है, लगभग 850 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। और प्राइज इसका 1.5 करोड़ रुपए इसकी प्राइज है। इसमें ओपन पार्किंग आपको फ्री मिल जाएगा, ओपन पार्किंग के लिए कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमिनिटीज इसमें गार्डन, किड्स प्ले एरिया और सीनियर सिटीजन एरिया, ये 3 एमिनिटीज हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं, इसमें 5 मिनट के अंदर आप मीरा रोड स्टेशन, ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल,
आरबीके स्कूल, जीएमएस स्कूल, जूनियर कॉलेज, एलआर तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज, गैलेक्सी हॉस्पिटल, कनकिया पुलिस स्टेशन, आईसीआईसी बैंक, टीजेएसबी बैंक, आरबीएल बैंक, माँ कालेश्वर मंदिर, डिवाइन मर्सी चर्च, वर्धमान फैंटासी, सेवन वॉन्डर्स, जीसीसी क्लब, 7-11 क्लब। अभी और बड़ी कनेक्टिविटी, बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेज के बारे में समझते हैं कि 10 से 30 मिनट के अंदर भाईंदर स्टेशन, मायरोड होटल, काशीमीरा, घोड़बंदर, दहीसर चेक नाका, ठाकुर मॉल, बिग बाजार, आइनॉक्स, मैक्सिस मॉल, डी मार्ट, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, फैक्ट्री आउटलेट में जो कुछ ब्रांड हैं जैसे रिबॉक, एडिडास, पेंटालून, नाइकी, स्केचर एंड और 2-3 बड़े बड़े ब्रांड के जो शॉप हैं ये हाईवे पे है, दारास ढाबा, फाउंटेन होटल, दिल्ली दरबार और भाईंदर खाड़ी सनसेट पॉइंट, ये सब भी आप 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। गोराई, एसएल वर्ल्ड एंड वाटर पार्क, सूरज वाटर पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, बेलंकनी बीच, पाली बीच रिसोर्ट, माइन स्पेस आईटी पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब मुश्किल से आप 45-1 आवर के अंदर रीच कर जाते हैं। मुंबई के जो फेमस चीज़ें हैं जैसे वसई किला, जीवनानी मंदिर, मार्वे बीच, मड बीच, जुहू बीच, अंधेरी, सिद्धिविनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, बांडा वर्ली सी लिंक, बांडा फैशन स्ट्रीट, मरीन ड्राइव, लैमिंगटन मार्केट, तारापुर वाला एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलावा, नरीमन पॉइंट एंड एलिकम फेंटा कैब, ये सब जो बड़े सोर्सेस हैं ये भी यहाँ से मुश्किल से आप 1 से 2 घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं। और भी डिटेल आपको जानना हो तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको प्रॉपर्टी खरीदने से लेके टिल घर में एंट्री कराने से लेके पोजीशन दिलाने तक, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी सब कुछ करवाने तक हम आपको सर्विसेज देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करने में। दोस्तों आइए और हमारी सर्विसेज के बारे में जानते हैं कि हम और क्या क्या सर्विसेज के जरिए अपने कस्टमर्स को फायदा करवाते हैं प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस। टिप की बात करूं दोस्तों, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट देखें तो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कई जगह से मैंने एक्सपीरियंस किया है, कई लोगों के साथ मैं देखा हूं दोस्तों, बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर कुछ भी हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या टॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, देखा है मैंने दोस्तों उनको इन्वेस्टमेंट के मामले में कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो लास्ट में जाके वो प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, एग्रीमेंट घर पे रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जमीन नहीं बढ़ने वाली है, जमीन उतना ही रहने वाला है, उसी में 4 माले की बिल्डिंग को 7 माले में कन्वर्ट किया जा रहा है, 7 माले की बिल्डिंग को 20 माले में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो बड़े टावर्स हैं उसको और भी बड़े टावर्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे पब्लिक की पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड प्रॉपर्टी का बढ़ रहा है। तो एक बात तो आपको समझ लेना चाहिए फ्रेंड्स कि जब पब्लिक में प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ेगा तो पब्लिक का, और अगर सप्लाई कम होगी तो फिर पब्लिक रहेगी कहाँ अगर ये पॉपुलेशन इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसलिए प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट इतना आसान है, सिर्फ आपको 2 चीज़ें देखना होता है प्रॉपर्टी में, एक कि उसका लोकेशन कैसा है, दूसरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। कभी भी आप किसी भी बड़े बिल्डर से या छोटे बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदें तो ज़रूर दोस्तों वहाँ पे आप लोकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, इन 2 चीज़ों को ध्यान दें। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अच्छा क्यों है, क्योंकि आप देखिए अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत कुछ कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद भी अगर कंपनी घाटे में चली गई तो आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी मैंने देखा है कि कभी कुछ नेचुरल कुछ आपदा आ जाती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो प्रॉपर्टी का भाव डाउन होता है, लेकिन वो मुश्किल से 1-2 साल के लिए फिर वापस वो अपने हाइक पे पहुंच जाता है। अगर शेयर मार्केट में आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो पूरा का पूरा पैसा आपका डंप हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया में। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी भी वजह से कमा रहे हैं, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट टारगेट आपको प्रॉपर्टी ही करना चाहिए। इसमें क्या है, आपका पैसा रहता तो है, साथ ही साथ रेंटल इनकम भी बढ़ता है। इसमें 2 तरह के फायदे होते हैं, एक तो प्रॉपर्टी में भी आपको एप्रिसिएशन मिलता है भाव में, दूसरा आप जब उसको रेंट आउट कर देते हैं तो आपको रेंटल भी हर महीने आता रहता है, जिससे आपका सर्वाइव भी चलता रहता है और प्रॉपर्टी का भाव भी बढ़ता रहता है। तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ऐसा सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। हमारी सर्विसेज की बात करूं दोस्तों तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आती है हमारे पास, जो बैंक जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करती है, नीलाम करती है, वैसे भी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मैं हमेशा अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आप जिस तरह इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसे हज़ारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को हर महीने हर दिन देखते हैं, और उनके पास जब कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तो वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं,
विकास जी हमें सेल करना है और देखता हूँ 10-10, 20-20 लाख रुपए डिस्काउंट पर रहता है नॉर्मल मार्केट के प्राइस से। और न्यू लॉन्चिंग की जो प्रॉपर्टी होती है बिल्डर जो लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग के टाइम पर अच्छा खासा उनका प्राइस डिस्काउंट रहता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट रहता है, तो कभी PLC डिस्काउंट रहता है। इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी हो या बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हो या अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हो, मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जब भी मैं ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी अपलोड करूं अपने चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो सबसे पहले आप खरीदें, उसका बेनिफिट लें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। आप इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट और किस टाइप का आपका प्रॉपर्टी चाहिए वो एक ब्रीफ में लिख के भेज दें, जैसे हमारे पास ऐसी आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से 1-to-1 शेयर कर दूंगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप उसका जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों ये हमारी सर्विसेज की बात करें, दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद है और हमारे इन्वेस्टमेंट टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अगर उन्हें भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो तो पूरे ऑल ओवर मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टी में, तो अगर उन्हें भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो तो वो भी देखें, वो भी हमें फ़ोन करें, हम उनको पूरी मदद करेंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेके टिल पोजीशन दिलाने तक अगर कुछ भी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, बुकिंग रिलेटेड कोई भी काम रहेगा तो मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे उनको प्रॉपर्टी दिलाने में। दोस्तों फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी के साथ, नए लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।